मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पड़ोसी ने शराब के नशे में 1.5 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित बच्ची का जिला अस्पताल में उपचार जारी है, वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिवपुरी के देहात थाना अंतर्गत तलैया मोहल्ले में रहने वाले महेश धानुक ने 1.5 साल की अपने ही पड़ोस में रहने वाली बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बच्ची महेश धानुक के यहाँ खेलने गई थी, तभी शराब के नशे में धुत महेश धानुक ने रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। परिजनों की शिकायत पर देहात थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, व साथ ही बच्ची का उपचार शिवपुरी के जिला अस्पताल में जारी है। आपकी बच्ची के साथ जो गलत काम हुआ है, किसके द्वारा किया गया? महेश वेटर। कहाँ के निवासी? पुरानी शिवपुरी तलैया मोहल्ला वार्ड नंबर 21। देहात थाने के निवासी? देहात थाने के निवासी। महेश धानुक ने किया? हाँ। उसके खिलाफ आपने रिपोर्ट की है? हाँ, कर दी सर। ये धानुक मोहल्ले का एक मामला है जिसमें बच्ची के साथ में बलात्कार का मामला सामने आया, क्या मामला है? भाई, बच्ची है 1.5 साल की, उसके माँ बाप ने उसके बच्ची के साथ में रेप होने की सूचना दी है हमें, हमने उसको तत्काल हॉस्पिटल ले दिया, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें सर आप आरोपी गिरफ्तारी हो गई है? आरोपी को अभी हिरासत में ले लिया है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी मेडिकल हो जाए उसके बाद कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, लेकिन उसके बाद भी मासूमों के साथ ज्यादती की घटनाएं जारी है। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। शिवपुरी से राजवर्धन सिंह की रिपोर्ट।